वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने 6 साल के नन्हे बच्चे के किडनैपिंग के प्लान के एक बड़े मामले का खुलासा किया है और शादी के मंडप से 3 किडनैपर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपने माता पिता की गोद में हंसता खेलता ये है 6 साल का दीपांशु, जो पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। यह अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए यमुना पार से माता पिता के साथ नवादा आया हुआ था, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके घर के सामने रहने वाले जिस पंकज अंकल के साथ वह अक्सर खेलता रहता है, वही उसको किडनैप करने उसके मामा की शादी में पहुंच गया है। सर, ये मेरे घर के सामने इनका फ्लैट है, वो पास में रहते हैं, पर हमें तो खबर भी नहीं थी। एक महीने से प्लानिंग बना रहे थे मेरी भाई की शादी की, तो इन्होंने वहाँ से किडनैप करने का इसको सोचा है। और बट हमारे साथ ही थे जो किडनैपर भैया, तो हमारे साथ ही नहीं थे, हमारे पीछे चल रहे थे। और वो तो बट भगवान का शुक्र है जो मेरा बेटा मैंने घर भेज दिया टाइम रहते, वरना तो रास्ते में बेटे को ले जाता। कैसे पुलिस को पता चला? जी सर, भैया है हमारे ओला भैया, जिन्होंने इनको हायर करा था, एक महीने से इनको ही हायर कर रखा है ओला वाले भैया को, उन्होंने ही हमें पीछे से पुलिस अंकल को फोन किया है, जिससे कि उस वजह से इनके भैया की मदद से हमें बच्चा मेरा वापस मिला। इस मामले में पुलिस की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए शादी के पंडाल से 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जहां ये बच्चे को किडनैप करने पहुंचे थे, जबकि चौथे को पुलिस ने पहाड़गंज से गिरफ्तार किया, जो इस किडनैपिंग के प्लान का सूत्रधार था। पुलिस के अनुसार कैब ड्राइवर द्वारा दिए गए जानकारी पर सर्विलांस नंबर के लोकेशन फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की और सोशल मीडिया से मिले फोटो की सहायता से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। कल हमारे को एक मतलब पीसीआर कॉल आई, मतलब लेट इवनिंग में, जिसमें ये बताया गया कि एक आदमी ने फोन किया कि मैं ड्राइवर हूं और मैं गाड़ी में मैंने ओवरहर्ड किया कि कुछ लोग पीछे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं किडनैपिंग, और मोबाइल नंबर भी हमें दिया जो एलिज्ड किडनैपर का था। तो हम पुलिस टीम ने, क्योंकि सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू पंकज की फोटो देख चुके थे, तो हमारी टीम अंदर गई और पंकज को बिफोर किडनैपिंग होने से पहले ही पकड़ लिया, और फिर उनके मोबाइल में जो सारा उनका प्लान था वो सब देखा गया, और इसी बेसिस पे हमने पंकज जो मेन एक्यूज है, दीपांशु जो और अरुण जो इसके साथी है, और ये इनों के घर के सामने ही रहते थे, तो इन्होंने वहीं से बच्चे को देख लिया था कि इसके फादर रेलवे में है, तो इससे हमें आराम से पैसा मिल जाएगा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पंकज के बचपन का दोस्त है प्रणव, जिसका गर्लफ्रेंड के साथ पर्सनल फोटो गलती से शेयर हो गया। उसमें से एक शख्स के पास जब पहुंचा तो उसने 1 करोड़ की डिमांड कर दी, तब फोटो वापस देने की बात कही, और उसी पर 1 करोड़ की रकम को इकट्ठा करने के लिए प्रणव ने 4 बच्चों को किडनैप करके सबसे 30-30 लाख की रकम फिरौती की डिमांड करने की प्लानिंग बनाई थी।